गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। टुडे देयर समथिंग यू नो दैट इज बीन रियली बॉदरिंग मी सिंस यस्टरडे एंड ऑफ कोर्स यू नो आफ्टर आई वॉच्ड जावेद अख्तर स्पीच इन द राज्यसभा दैट काइंड ऑफ प्रॉम्प्टेड मी टू यू नो स्पीक माय माइंड हियर थ्रू दिस वीडियो ब्लॉग। ये जो भारत माता की जय को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, आई थिंक यू नो इन नटशेल यू कैन से दैट दिस इज अ कंट्रोवर्सी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, आरएसएस भी जिम्मेदार हैं, ओएसए भी जिम्मेदार हैं। ये दोनों ही अपना पॉलिटिक, जहां तक मुझे लगता है एज एन एनालिस्ट, के अपना पॉलिटिकल माइलेज एक्सट्रैक्ट करने के धुन में इस चीज़ को इतनी हवा दोनों ने ही मिलकर के दी है। वरना भारत माता की जय, आरएसएस सबसे पहली बात होती कौन है लोगों से फोर्सिबली भारत माता की जय कहलाने वाली? ये वो आरएसएस है जिसको 52 साल तक अपनी हेड ऑफिस में तिरंगा लहराने से परहेज था। ये वो आरएसएस है जिसने 2001 में 3 एक्टिविस्ट को 12 साल तक कानूनी जंग के चक्कर में इसलिए घसीट लिया कि उन तीनों एक्टिविस्ट ने नागपुर के एक दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा लहराने की कोशिश की थी। ये अगर हम इंडियंस को अगर ये कहें कि नहीं, आपको भारत माता की जय कहनी होगी और तब जाकर के ये साबित होगा कि आप देशभक्त हैं या मुहिब्बे वतन हैं या पेट्रियट हैं, तो आई थिंक दिस इज लाफेबल। दूसरी बात ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब ने इसको एक ऐसा रंग दिया कि जैसे इस्लाम खतरे में है, जो अक्सर उनकी बातों से ऐसा लगता है कि बिल्कुल फायरी स्पीच दे डाली। अरे भाई, जहाँ पे आप भारत माता की जय का अपोज कर रहे थे, उसी स्पीच में अपोज करते करते कम से कम आपने 4 मरतबा तो भारत माता की जय कही डाली, तो क्या अच्छा होता कि आप पहले ही कह डालते भारत माता की जय। कल जावेद अख्तर साहब ने पार्लियामेंट में बहुत ही खूबसूरत स्पीच दी। जावेद अख्तर साहब ने जो स्पीच यही थी ना कि आपने कानून का हवाला दिया, आपने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि हमें भारत माता की जय बोलनी होगी। जावेद अख्तर ने अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि वैसे संविधान में तो शेरवानी पहनने के बारे में भी नहीं लिखा गया। मैं उसको एक कदम और आगे लेकर के जाऊँगा, मैं ये कहूँगा कि जस्ट बिकॉज के आरएसएस ये कहता है कि भारत माता की जय आपको कहनी होगी, तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसको अपोज करेंगे। ये जो एक फैशन सा हो गया है कि आरएसएस का हवा खड़ा करके यू नो एक अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चलाई जाए, और ये सिर्फ इसमें जो हमारे ओवैसी साहब को अकेले ही हम नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे आजकल लीडर्स हैं जो आप भी जानते हैं कि जिनकी दुकान ही सिर्फ इस वजह से चलती है कि आरएसएस के खिलाफ मुसलमानों में, माइनॉरिटीज़ में एक हवा, एक डर खड़ा किया जाए, और अगर ये नहीं खड़ा करेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो अब कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, के जस्ट बिकॉज के आरएसएस अपोजेज इट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट डू इट, और आरएसएस आस्क यू टू डू इट सो डजंट मीन दैट यू शुड अपोज इट। अब अगर आरएसएस देखिए, पिछले दिनों आरएसएस ने अपनी 91 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली मरतबा खाकी शॉर्ट्स को हटा करके उन्होंने ब्राउन ट्राउजर्स लाने का फैसला किया। अब मैं वैसे साहब से पूछना चाहता हूँ कि वैसे साहब, शुक्र मनाइए कि उन्होंने ब्राउन ट्राउजर कह दिया। अगर उन्होंने खाकी शॉर्ट्स की जगह पे अगर शेरवानी कह दिया होता तो क्या आप शेरवानी को अपोज करते? अगर उन्होंने कहा होता कि नहीं हम टोपी पहनेंगे, तो क्या आप टोपी अपोज कीजिएगा? ये कहाँ की बात है भाई, आप किन मुद्दों में लोगों को उलझा रहे हैं और खुद भी उलझ रहे हैं? आप अपनी उन मुद्दों पे आप फोकस कीजिए जिनके लिए जनता ने आपको दिया है, वोट दिया है, जिनके लिए 5 साल तक आपकी जिम्मेदारी है कि उनके उन मुद्दों को जाकर के आप हल करें। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में मैं जा चुका हूँ, मुझे पता है कि सैकड़ों ऐसे घर हैं, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों ऐसे घर होंगे कि जिनके पास आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके बच्चों के पास, जिन फैमिलीज के पास आज भी पैसे नहीं कि उनके अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें। तो आप उन पे फोकस करें ना, आप कहाँ इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं? और ये सब चीज़ करके आप, इसकी लॉन्जिविटी नहीं होती है, आप कब तक लोगों को इस तरह से बेवकूफ आप लोग बनाते रहेंगे? तो मेरा ये कहना यह है कि भारत माता की जय, इससे कोई अन इस्लामिक इसमें कुछ भी नहीं है। भारत माता की जय इज लिटरली, इट लिटरली ट्रांसलेट्स एज दैट विक्ट्री टू द मदरलैंड, और ये एक विश है। ये इसमें क्या गलत हो सकता है? इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे आप हुब्बुल वतनी आप दिखाएं, उसके साथ आप मोहब्बत करें, उसके साथ आप अपनी लॉयल्टी दिखाएं, तो इसमें गलत क्या है? तो ज़रूरी यह है कि हम
उन चीज़ों पे फोकस करें जिससे आपस में जो खाई सी बन गई है हमारी सोसाइटी में, उस खाई को, उस दूरी को कम किया जा सके, ना कि दिन नित नए रोज़ाना एक ऐसे पैतरे को हवा दी जाए जिससे कि आपस की जो दीवार है और भी मोटी होती जाए, और भी, और जो दरार है और भी गहरी होती जाए। तो प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक टू बोथ द RSS एंड द OSCs, प्लीज़ गिव अप this communalism the politics of communalism is not gonna last, because the people in all the communities are getting educated, and more with the access to social media and the Google and all, they are realizing the dirty games, you know, behind this politics. So please leave it, sooner you leave it the better it is for all of you. Thank you.